गाइज SBI PO का प्रीका एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा और देख लिया होगा आप लोगों का एग्जाम कब कब है। सभी लोगों का ज्यादा था कि मैम आप लास्ट वीक जो आपकी स्ट्रेटेजी रहती है वो प्लीज शेयर कर दीजिए। तो यस गाइज, मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि लास्ट के जो 10 डेज आप लोगों के पास बचे हैं इसमें आप लोग क्या करो जिससे आप लोगों को जो आपका प्रिलिम्स है उसको क्रैक करने में हेल्प हो जाए। अब दो टाइप के बच्चे होंगे इसमें जो ये सुन रहे होंगे, दो टाइप के कैंडिडेट्स होंगे। एक तो वो जिनके प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जिन्होंने अभी प्रिलिम्स के काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं और अच्छा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं मैम जो बताएंगी वो अपने 4-5 साल के अनुभव से बताएंगी और उनका उन्होंने जहाँ जो उनके लूपहोल्स रहे होंगे उसको हम ना करके हम अपना एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। दूसरे वो कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने भी हाल ही फिलहाल तैयारी स्टार्ट की होगी और हो सकता है कि उनका ये पहला प्रिलिम्स का एग्जाम हो। तो गाइज ये दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो, क्योंकि इस तरीके की चीजें बताऊंगी कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक करने में आपको हेल्प मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं आपके, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। 20-20 मिनट का सेक्शनल टाइम अलॉट होगा। इस बारे में आपको जानकारी नहीं है तो ध्यान से समझ लो, 20 मिनट मिलेंगे आपको ईच सेक्शन के लिए। आपको ही उसमें ये दिमाग लगाना है कि उसको आपको टैकल कैसे करना है पेपर को कि आपका प्रिलिम्स क्लियर आराम से हो जाए। और गाइज हो सकता है पेपर टफ आपकी यहाँ से होता है क्योंकि आपको उस तरीके से उसको सॉल्व करना नहीं आ रहा। ये नहीं करना है कि हम लोग जैसे पहले एग्जामिनेशन में बैठते हैं 10th 12th के कि जो आया उसको लिखना शुरू कर दिया। नहीं, आपको दिमाग लगाना है कि आपकी स्ट्रेंथ किस पर किस पोर्शन पर अच्छी है, उसको आपको उठाना है, उसको करना है। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वांट से, क्योंकि क्वांट कहीं ना कहीं सबको थोड़ा सा डर लगता है उसमें कि कैसे करना है। तो गाइस क्वांट में आप लोग अच्छे से 18-22 तक मार्क्स बहुत प्यार से लेके आ सकते हो। कैसे? आपको सबसे पहले क्वेश्चंस ढूंढने हैं, देखने हैं सिंप्लीफिकेशन के, अप्रोक्सीमेशन के, नंबर सीरीज के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और DI के। सबसे पहली स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए जो हेल्प करने वाली है आपके क्वांट में अच्छे से अच्छे मार्क्स उठाने के लिए, इवन में 22 तक कह लो, 22 प्लस भी आप इसमें मार्क्स ला सकते हो अगर इस तरीके से करो। क्योंकि गाइस 5-5-5 मार्क्स के ईच ये सब मैंने जो बोला, इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है प्रिलिम्स का। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है 20 मिनट से तो आपको क्या करना है कि आपको जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहते हैं उसको करना है। तो इसको आपको ऐसे करने के लिए क्या करना है, इन 10 डेज में 20-20 क्वेश्चंस ईच आपको नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन सबके करने हैं और डेली 5 DI के सेट्स लगाने हैं। ये बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं रीजनिंग पर। अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट भी रहे ना तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना कि मैम आपने ये बताया क्या इसको इस तरीके से कर सकते हैं या फिर किस तरीके से क्या किया जाए। आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर से पूछ लीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन प्रेस कर देना। गाइस रीजनिंग जो कि आप मतलब उसमें 35 आउट ऑफ 35 आराम से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो गाइस? आपको सबसे पहले सिलॉक, इनइक्वालिटी, इन सब पे जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ उस पर पहले आपको प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से कर लेनी है। ब्लड रिलेशन का टॉपिक हो गया आपका, ये सब आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से करने हैं। उसके बाद से आपको पजल्स करनी है। पजल्स देखो एग्जाम में जो आएंगी वो 3 से 4 आपके आएंगे और 3 से 4 का मतलब हो गया 20 questions आपके पजल पे देखने के लिए मिल जाते हैं, बहुत प्यार से मिल जाते हैं। तो ऐसी नहीं होती है सभी जो आपसे नहीं बन पाए, बहुत आराम से बनेंगी, बट बशर्ते आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, जो भी अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट दिए हैं या आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो अभी भी, उसकी आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि इन 10 डेज में आप कम से कम 12 से 15 मॉक टेस्ट लगा जाओ। एक दिन में 2 मॉक टेस्ट दे लो, बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लो, ठीक। ये थी आपकी रीजनिंग की बात कि आपको डेली पजल्स भी आपको कम से कम 4 पजल्स तो करनी ही करनी है। उसके अलावा मैंने मिसलेनियस टॉपिक आप लोगों को बताया, ये आपको करने हैं। बात कर लेते हैं आपका इंग्लिश का। इंग्लिश भी बहुत ज्यादा डाउट रहता है इंग्लिश में सबको। तो गाइज इंग्लिश में सबसे पहला आपका काम क्या होगा, थोड़ा सा ना प्रिसाइज वे में आप ग्रामर के रूल्स देख लेना, वो हेल्प करते हैं एरर में। एरर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हेल्प करते हैं। तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप आराम से देख सकते हो और उसके बाद एरर के क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पर लगा सकते हैं। डेली बेसिस पर आपको कम से कम 3-4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस लगाने हैं और क्लोज टेस्ट भी लगाने हैं 1-2। इससे आप लोगों के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देखने के लिए मिलने वाली है गाइस। जो वॉकअप आपने अभी तक लिखी होंगी, जो मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं बच्चे, अगर उन्होंने कुछ वॉकअप्स इकट्ठी कर रखी है, लिख रखी है, तो उसको मगअप करते रहिए, रिवीजन उसका करते रहिए। और जिन्होंने नहीं किया है, चलो टेंशन मत लो अभी से भी। जो सेक्शनल क्विजेज आते हैं ना, वो डेली बेसिस पर 2 मॉक के अलावा सेक्शनल क्विजेज जो कि आपको जो आपने मॉक टेस्ट लिया है वहां मिल जाएंगे, नहीं तो फ्री में भी मिल जाते हैं गाइज, अंडर 247 के ऐप से भी उठा सकते हो, उसको सेक्शनल क्विजेज दे दो।
तो ये मेरे हिसाब से आपका इतने मार्क्स ले आएगा कि आपका प्रीलिम्स बहुत प्यार से क्लियर हो जाएगा। ये मेरे साइड से आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी है। कोई अगर आपको इसमें भी डाउट है तो आप मुझे पूछना, मैं आप लोगों को जरूर से कमेंट करके बताऊंगी। गाइज मैं चाहती हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है भाई उसका सिलेक्शन हो, उनका प्रीलिम्स निकले, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो रहा है आप लोगों के लिए तो इसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।